पर उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर अब गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने संगीन आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तक पूरा मामला पहुंच गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर अब नजर टिकी हुई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दरअसल ये गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये पूरा मामला पहुंच गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर अब नजर टिकी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी हां, और कांग्रेस ने दरअसल ये आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तक पूरा मामला पहुंच गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर नजर टिकी हुई है। तो भानु प्रतापपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भानु प्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को चरित्रवान कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भानु प्रतापपुर का जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, उनके ऊपर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, देह व्यापार में धकेलने, नाबालिग का देह शोषण का अपराधी है। ब्रह्मानंद नेताम झारखंड में पास्को एक्ट में दर्ज अपराध का अपराधी है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अंकुश, जिस तरीके से गंभीर आरोप ब्रह्मानंद नेताम पर लगाए गए हैं, कांग्रेस की ओर से आरोप लगे हैं, क्या अब इस पूरे मामले में अपडेट है? चूंकि अब जिला निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर ही पूरी यहाँ पर जो एक पूरा ये खेल है वो टिका हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव होना है और उससे पहले इस तरीके के गंभीर आरोप। जी हाँ बिल्कुल, और जो चुनाव जो है बिल्कुल वाकओवर की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी, अगर जिला निर्वाचन अधिकारी जो है कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ वाकओवर मिलते हुए नजर आएगा। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के कैंडिडेट ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और आरोप जो है वो तथ्यात्मक है, क्योंकि उसमें एफआईआर की कॉपी पेश की गई है। इसके अलावा जो नामांकन दाखिले के दौरान ब्रह्मानंद नेताम ने जो जानकारी साझा की थी निर्वाचन आयोग से, उसकी कॉपी भी प्रेषित की गई है। तो स्पष्ट है कि आरोप दो प्रकार के हैं, एक तो बलात्कार का आरोप है, दूसरा जो निर्वाचन आयोग से जानकारी छुपाए जाने का आरोप है। झारखंड का मामला बताया जा रहा है कि झारखंड में एफआईआर दर्ज है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं स्थिति जो है बीजेपी के लिए गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के पास अब ऑप्शन क्या रह जाएगा? ऐसे में अगर यहाँ पर गाज गिर जाती है ब्रह्मानंद नेताम पर, तो उसके बाद बीजेपी के पास क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है और षड्यंत्र पूर्वक। अभी जो भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जो प्रभारी बनाए गए हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बयान जारी किया है और कहा है कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ ये साजिश है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी ने झारखंड की सरकार के साथ मिलकर ये झूठा आरोप लगाया है। बीजेपी भी झूठे आरोपों के आधार पर ब्रह्मानंद नेताम को बचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आज बीजेपी की तरफ से, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंद्र शामिल रहेंगे। अब बीजेपी अपने तथ्य प्रस्तुत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी पर सबकी नजर है कि जिला निर्वाचन अधिकारी का क्या स्टैंड होता है। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल राजनीतिक ड्रामा जो है वो जारी है और आने वाले समय में देखने लायक होगा कि ये ड्रामा जो है कौन सा रुख अख्तियार करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।
भानु प्रतापपुर में होने वाला विधानसभा उपचुनाव गर्माता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस हर दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर उनसे बात की हमारी संवाददाता नीरज तिवारी ने। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर नया मोड़ सामने आया है। यहाँ पर जो है आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बहुत बड़ा खुलासा किया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर अब सियासत काफी गर्मा सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी हैं। सर स्वागत है। जी धन्यवाद। बहुत बड़ा खुलासा किया है, क्या खुलासा? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरा देश के सामने उजागर हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, उनके ऊपर 376 से लेकर कई धाराओं में के साथ साथ उनका अपराधी है, आरोपी है, उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। हम चुनाव निर्वाचन अधिकारी से, हम राज्य निर्वाचन अधिकारी से, साथ साथ हम छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड सरकार के बाद भी हम शिकायत करेंगे और उनको तत्काल गिरफ्तार होनी चाहिए, हमारी मांग है। सर ये कब का मामला है और कितने साल की वो पीड़िता थी, क्योंकि पीड़िता ने जो है पिटीशन दायर किया था उसके बाद ये मामले का खुलासा? देखिए 2019 का मामला है। उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार थी, उनके शासनकाल में ये अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जांच में तथ्य आए हैं। ब्रह्मानंद उसमें मुख्य आरोपी है, जो लगातार इस ढंग से दे व्यापार से लेकर 376 के प्रकरण में संलिप्त रहा है, उनके ऊपर ऐसे तत्काल कार्रवाई हो हमारी मांग है। सर काफी मामला गरमाया हुआ है और बीजेपी जो है महिलाओं की बात करती है और महिलाओं की तरह इस तरह के मामले सामने आते हैं, वो प्रत्याशी उसी खड़े करते हैं जो कि संलिप्त है। जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारवान पार्टी कहती है, मगर वैसे लोगों को प्रत्याशी बना जाता है जो बलात्कार से लेकर अन्य गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, तो ऐसे नेताओं के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। निर्वाचन आयोग से अपनी जानकारी छुपाए जाना अपराध को लेकर, और क्या इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी? हम जरूर करेंगे, यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भी शिकायत करेंगे और राज्य निर्वाचन अधिकारी के पास भी हम शिकायत करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा इसमें अपराध बनता है। एफिडेविट में उन्होंने इन तथ्यों को छुपाया है। निरस्त होना चाहिए, हम मांग कर रहे हैं। ये है काफी राजनीतिक भूचाल ला सकता है, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उपचुनाव वर्तमान में चल रहा है। इस क्षेत्र में लगातार जो है ब्रह्मानंद नेताम को दूसरी बार टिकट दिया गया है और उनके जो निकटतम प्रत्याशी है सावित्री मंडा भी, उनसे उनका मुकाबला है, लेकिन ये अहम मोड़ और अहम कड़ी निकलकर सामने आई है। अब इसमें निर्वाचन आयोग क्या आगे कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। नीरज तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कांकेर। भानुप्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए तीखा हमला किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भानुप्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, हमारे जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो पास्को एक्ट का जो आरोप लगाया गया है, उनको मालूम होना चाहिए कि पास्को एक्ट लगता तो 3 दिन में गिरफ्तारी उनकी होती। मैं भूपेश बघेल को कहना चाहूंगा कि अपना कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जैसे है, वैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मत समझे। और भानुप्रतापपुर विधानसभा का जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी स्वच्छ छवि को अपने चुनाव जीतने के लिए चुनाव को मैंने मापदंड को पार करते हुए इन्होंने अपने चरित्र हनन किया है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्रह्मानंद नेताम जी, इनके मान हानि का दावा हम सब लोग करेंगे। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा 23